दिल्ली में जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पीएम कहीं से भी दिल्ली को पानी दिलवाए ये आतिशी ने साफ तौर पर कह दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी, मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। कहा, झूठे आरोप की राजनीति बंद करें, ये बीजेपी का कहना है। आतिशी से ड्रामेबाजी करना बंद करें आतिशी, ये कांग्रेस का कहना है। सियासत अपने चरम पर है और लोग परेशान है, पानी की किल्लत हो रही है, टैंकर्स के सहारे पानी पहुंचाना पड़ रहा है और सियासत अपने चरम पर नजर आ रही है। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एनजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। हरियाणा ने अपनी तय सीमा से 17.34% पानी ज्यादा दिया है, झूठ बोलती हैं आतिशी। हिमाचल के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगी, कोर्ट ने कहा ना हिमाचल से पानी ले लो, एक शब्द हिमाचल के लिए नहीं बोलेंगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी गठबंधन की वहां सरकार है। हरियाणा में चुनाव है तो इनको चुनाव दिख रहे हैं, पानी पर भी कैसे चुनावी राजनीति करनी है वो आतिशी करके दिखा रही है। इसलिए इनके आमरण अनशन ये नौटंकी ड्रामेबाजी दिल्ली की जनता समझती है, इनकी आंखों का पानी मर गया है। बेगैरत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। अगर पानी कम दिया जा रहा है, मैं चैलेंज करूं, जाए कोर्ट में। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि जब सीरियस एफर्ट्स नहीं होते और इस तरीके की ड्रामेबाजी अगर जनता को देखने को मिल रही है तो ये दुखद है। और जल मंत्री का ये फर्ज बनता था कि समय रहते उसको इस तरफ ध्यान दिया जाना देना चाहिए था, प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए था, कहाँ कहाँ से पानी आना है। ये जो चिट्ठी आज लिखी जा रही है, यदि 2 महीने पहले लिखी जाती तो मैं समझता हूँ इसका सोल्यूशन होता और आज जनता त्राहिमान नहीं कर रही होती, बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। लिहाजा मैं चाहूंगा कि ये ड्रामेबाजी छोड़कर अभी भी सीरियस एफर्ट्स करें, जनता के घर तक जल पहुंचाने का काम करें।